ओके तो सब लोग आ गए क्लास में, आवाज आ रही है आपको क्लियर? यस। लास्ट टाइम हमने जो स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था टेंपरेचर को, हमने देखा था किस किस स्केल में नाप सकते हैं और रिलेशन क्या है, और डिफरेंट हमने थर्मोमीटर देखा था कैसे कैसे उनको यूज करते हैं, और हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो हमने क्वेश्चन किए थे, उसके बाद फिर हमने एक्सपेंशन देखा था कि जो आपने उसके कारण जो हमारा मैटर एक्सपेंड करता है, तो एक्सपेंशन होता है, तीन तरह का एक्सपेंशन होता है, बिल्टन एक्सपेंशन, इसका कोफिशिएंट को हम कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ी आपकी आवाज लो आ रही है, आवाज स्लो आ रही है, बाकी लोगों को कम आ रही है क्या? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक। एक यस सर, एक ओके अब कुछ इम्प्रूवमेंट है आवाज में? यस ओके, मुझे बता देना अगर कोई प्रॉब्लम आएगी बीच में, बता देना अगर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? ओके तो हम लोग जो है उसके बाद हमने देखा था कि जब आप किसी मटेरियल को हीट करते हैं तो एक्सपेंड करता है, तो एक्सपेंशन हमारा तीन तरह का हमने देखा था, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, और तीनों के लिए डिफरेंट होते हैं अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है? और इस पर फिर हमने देखा था कि हम क्वेश्चन कैसे कैसे, मैंने फॉर्मूले कैसे कैसे ड्राइव करते हैं, और तीनों में रिलेशन क्या है अल्फा बीटा गामा में, हमने देखा था क्या रिलेशन है। फिर हमने देखा था कि जो इफेक्ट टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, डेंसिटी पे कैसे आएगा, तो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, ये डेंसिटी आपकी घट जाएगी क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा, और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर, सॉरी एपरेंट एक्सपेंशन क्या होता है वो हमने देखा था लास्ट टाइम पे, और हमने देखा था वाटर जो होता है उसका जो एक्सपेंशन होता है बहुत एनोमलस होता है, बहुत अलग सा होता है, तो वाटर जो है पहले डेंसिटी बढ़ती है उसकी, फिर घटती है, चार डिग्री तक मैक्सिमम होती है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर देखा था हमने। और हमने एक क्वेश्चन ये किया था, तो यहाँ पे हमने अभी केवल एक ही क्वेश्चन किया है, थोड़ा सा और क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे ताकि हम थर्मल एक्सपेंशन में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और आईआईटी और बाकी जो जेई वगैरह हैं काफ़ी क्वेश्चन बनाते रहते हैं, इनका एक अच्छा टॉपिक है, तो हमें भी कुछ प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी अभी ताकि हम थर्मल एक्सपेंशन को ढंग से समझ पाएँ, ये क्वेश्चन के कैसे डील करने हैं। आई होप कि थ्योरी में यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सबको क्लियर है यहाँ तक मैंने पढ़ा था लास्ट टाइम का? यस सर। तो अब जो है थर्मल एक्सपेंशन हम देखते हैं कि इसके और क्वेश्चन किसके स्टेप के चलते हैं पेपर में, हमें कैसे करना है कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, हमने दूसरा क्वेश्चन हो गया आपको, ये बोलता है कि क्लॉक है, इसका मेटल पेंडुलम है, मेटल एक पेंडुलम है और वो करेक्ट टाइम देता है आपका 0°C पे, इसका जो राइट टाइम होता है करेक्ट टाइम 0°C पे आता है, 0°C पे करेक्ट टाइम देता है। अब कहता है अगर आप इसका टेम्परेचर कर दो 25°C
क्या करेगा ये? फास्ट चलेगा स्लो चलेगा घड़ी? स्लो सर, स्लो। लेंथ बढ़ जाएगी तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो स्लो चलेगा, तो इट लूजेस 12.5 सेकंड पर डे इस टेम्परेचर पे, ये 12.5 सेकंड पर डे लूज करता है। तो ये बोल रहा है भाई ये बता दो मुझे कि कोफिशिएंट ऑफ इसका लीनियर एक्सपेंशन अल्फा कितना होगा, ये बताओ। निकाल सकते हैं, निकालो। इसमें थोड़ा एप्रोक्सीमेशन वगैरह का यूज करना पड़ेगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन जब करते हैं ना वो जो यूज करना पड़ेगा, अगर सॉल्व करो तो जरूरत पड़ेगी आपको। सो ज़्यादा पॉइंट तक नहीं चाहिए मुझे आंसर, मैं आपको ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, नहीं चाहिए आंसर, इसमें ऑप्शन नहीं दिए मैंने। पर डिग्री सेंटीग्रेड है ओके, ऐसे तक ऑप्शन दिए मैंने, कितना ही सॉल्व करना है।
हो रहा है ये, ट्राई कर यहाँ पे तो मैं करूँ वो किसी लग तक सर देखो यहाँ पे जो L नॉट है वो कितने पे जीरो डिग्री सेल्सियस पे L नॉट है यहाँ टाइम पीरियड मानो T है यहाँ पे कैपिटल T 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ आपने लेंथ को बढ़ के L नॉट प्लस डेल्टा हो जाएगी टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा आपको हमने मान लिया फॉर्मूला में बताया T इक्वल टू पाई रूट L बाय G होता है ठीक है अब हमें उसने दिया हुआ है कि जो हर दिन वो यूज़ करता है कितना यूज़ कर रहा है 12.5 सेकंड यूज़ कर रहा है और हमें अल्फा बताना है तो देखो इसमें दो तरीके हो सकते हैं या तो आप ऐसे कर लो अगर आप नया फॉर्मूला लिखोगे आप लिखोगे टी प्लस डेल्टा टी इक्वल टू टू पाई रूट एल प्लस डेल्टा एल बाई जी एल प्लस डेल्टा एल बाई जी अभी जो डेल्टा एल होगा आपको पता है डेल्टा एल जो होता है आपका वो एल नॉट अल्फा डेल्टा टी होता है मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी हाँ ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी आ जाएगी एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी ये आ जाएगी वैल्यू तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी ये आ जाएगी 2 पाई रूट एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी डेल्टा टी आपको पता है ठीक है ये वैल्यू आ गई मेरी और ये एल नॉट है अब देखो मुझे टी के टर्म में चीजें पता है एल नहीं पता मुझे एल क्या है तो मैं एल को गायब करने की कोशिश करता हूँ हटाने की कोशिश करता हूँ तो मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ If I divide both this equation 1 and 2, if I divide 2 by 1, I will get T plus delta T by T equal to 2 pi root L naught 1 plus alpha delta T by G divided by 2 pi root L by U. यहाँ पे क्या होगा 2 pi तो कट ही जाएगा रूट में एल नॉट एल ये भी कट जाएगा जी वाला कुल में क्या बचेगा फाइनली रूट ऑफ वन प्लस अल्फा डेल्टा टी ये बचेगा अब इसको आप क्या कर सकते हो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हो यहाँ पे कि अल्फा जो है बहुत कम आएगा 10 टू पावर समथिंग आएगा माइनस में तो आप लिख सकते हो उसे 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की पावर हाफ बाइनोमियल एक्सपेंशन करके क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 बाय 2 अल्फा डेल्टा टी है ना इक्वल टू क्या हो जाएगा इसको डिवाइड कर देता हूँ ये भी हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा टी बाई टी तो यहाँ से ये कट गया तो डेल्टा टी बाई टी क्या आया 1 बाय 2 अल्फा इसको मैं डेल्टा थीटा लिख देता हूँ तो कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि ये भी टाइम पीरियड है ये भी टाइम पीरियड है तो मैं डेल्टा थीटा कर डेल्टा थीटा इसको डेल्टा थीटा हो जाएगा ये डेल्टा थीटा हो जाएगा ये डेल्टा थीटा हो जाएगा तो डेल्टा टी बाई टी इज 1 बाय अल्फा डेल्टा थीटा ये क्लियर हुआ सबको yes, इसका कोई शॉर्टकट मेथड था शॉर्टकट मेथड एरर वगैरह ध्यान है आपको एरर में करते थे हम लोग दोनों साइड लॉग लेकर डिफरेंशिएट हां तो लॉग लेकर डिफरेंशिएट कर दो या आपको एरर में पता होगा कि अगर इस पे एरर मान लो अगर मान लो एल में 16% का एरर है तो टी में कितना एरर आएगा 16% से ज्यादा हो गया कम मान लो कि 9% का एरर है टी में कितना एरर आएगा सर इसको हाफ अगर एल में 9% का एरर है तो टी में कितना होता है आपने हाफ हो जाएगा आपने पढ़ा होगा पावर इसकी जो होती है उसके अकॉर्डिंग आता है तो डेल्टा टी बाय टी आता है इक्वल टू हाफ ऑफ डेल्टा एल बाय एल आता है पढ़ा है सबको ध्यान है ये यस सर ओके तो बस ये यूज करना था डेल्टा एल आपको पता है डेल्टा एल कितना होता है एल नॉट अल्फा डेल्टा टी होता है तो यहां से कट जाएगा एल नॉट से एल नॉट ये आ जाएगा फॉर्मूला क्लियर सर 1/86/400 यस 1/86/400 इज आंसर तो आ गया हमारा अब हमें बस फार्मूला लगाना है डेल्टा टी बाय टी
डेल्टा टी हमें दे रखा है 12.5 सेकंड करता है, कितना टाइम में करता है ये मैं लिख देता हूं फॉर्मूले में, डेल्टा टी बाय टी इक्वल टू 1 बाय अल्फा डेल्टा थीटा। तो आपको दे रखा 12.5 सेकंड यूज करता है एक दिन में, एक दिन में आपको पता है कितने सेकंड होते हैं, 3600 × 24 86400 आएगा मेरे ख्याल से, इक्वल टू 1 बाय अल्फा, अल्फा आपको निकालना है, डेल्टा टी यहां पे है 25, तो ये भी 12.5 ही आ जाएगा काट के, अल्फा आपका आ जाएगा 1/56/4। क्लियर? यस सर। देख लेना क्या हो उसका पर डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो मैंने डेल्टा टी लिया है यूजुअली हम पर केल्विन लेते हैं ना, हमने डेल्टा थीटा पर केल्विन लेते हैं, तो मैंने सेल्सियस में क्यों लिया? सर केल्विन में भी 25 का ही डिफरेंस आएगा। करेक्ट, डिफरेंस विल बी सेम, डिफरेंस का फर्क पड़ेगा ना, डिफरेंस तो नहीं आएगा। अगर ये फॉरेनहाइट में होता तब क्या फॉरेनहाइट में लेता? नो सर, तब सेम ही है। क्योंकि आपका जो रिलेशन है वो ये है k इक्वल टू डेल्टा सॉरी c प्लस 275 273 सॉरी 1.16 है ना तो बराबर नहीं आया। अगर ऐसा केस होता है फॉरन हाइट में होता तो हम डायरेक्ट यहाँ पुट नहीं करते, फिर हमें करना निकालना पड़ता है। तो ध्यान रखना ये सब चीजें भी ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, पेंडुलम कैसे कैसे करेंगे, तो देखो पेंडुलम में क्या फर्क पड़ जाता है, घड़ी में पेंडुलम घड़ियां होती थी कल, तो वही प्रॉब्लम होती थी ऐसे भी होगा। अच्छा अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये कहता है इजी क्वेश्चन ही करते हैं कई लोग हैं, इससे सीधा उसका वो पूछा है कि कितना एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंड तो आप निकाली लोगे, तो आपने टर्न वाला कर लिया एक्सपेंड तो निकाली लोगे, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं मुझे लग रहा है। पहले ये उल्टा कर लेते हैं, पहले करते हैं क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक रॉड है उसका टेम्परेचर जो है पहले स्मॉल टी था, रॉड है इसका टेम्परेचर टी था, आपने बढ़ा के टी से प्लस डेल्टा टी कर दिया, टी प्लस डेल्टा टी कर दिया, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है ना सबको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है रॉड का? यस सर, अबाउट अगर सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है कितना होता है? एमएल स्क्वायर बाय 12। तो इसका इनर्शिया जो है आई था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये बढ़ के आई प्लस डेल्टा आई हो गया बढ़ के। तो हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा आई बाय आई, इसकी वैल्यू कितनी है अल्फा और टी की टर्म में, वो हमें बताना है। बताओ क्या है, डन क्या आंसर है?
अल्फा डेल्टा टी आ रहा है, टू अल्फा डेल्टा टी आ रहा है, अल्फा डेल्टा टी बाय टू आ रहा है, क्या आंसर है? टू अल्फा डेल्टा टी। तो उसमें कर गया आई आपका एम एल स्क्वायर है, एल आपका जो होगा वो एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा, अगर हमें टेम्परेचर बढ़ा दिया तो स्मॉल टी इसका स्क्वायर। डिफरेंशिएशन से कर सकते हो या फिर माइनस माइनस करके अप्रोक्सीमेशन लगा के वहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ से करोगे तो क्या आएगा, एम एन नॉट स्क्वायर वन प्लस टू अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा, ये बाइनोमियल थ्योरम लगाओगे बस इसको माइनस कर लो। इक्वेशन नंबर वन है, इनको जब डिवाइड डिवाइड करोगे माइनस माइनस करोगे कर लोगे सॉल्व से आगे, बाकी लोग भी कर लोगे, ये करना है। आंसर क्या था? आंसर इज टू अल्फा डेल्टा टी, ठीक है कर लोगे बाकी लोग? अभी बता दो भाई बाद में बोलना फिर कि सर ने सॉल्व नहीं कराया, कराना अभी कराना तो मैं बता दूंगा, कर लोगे सर? आगे दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे आगे, हाँ देखो कैसे कैसे करोगे, ये आई है हमारा और ये डेल्टा ये है, तो हाँ डिवाइड कर सकते हो, अगर डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, आई प्लस डेल्टा आई डिवाइड बाय आई इक्वल टू इस साइड को आ जाएगा एम एल नॉट स्क्वायर वन प्लस टू अल्फा डेल्टा थीटा, सॉरी डेल्टा टी है यहाँ पे, डिवाइड बाय एम एल नॉट स्क्वायर। बस अब यहाँ से ये कट गया, ये कट के वन प्लस डेल्टा आई बाई आई आ जाएगा इक्वल टू वन प्लस टू अल्फा डेल्टा टी, हो गया ठीक है। आगे आंसर हमारा yes, चलो तो कर लोगे आगे, तो आप आगे तो उसको बस वो करना है, कॉन्सेप्ट समझना था बस करना क्या। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, रोड का बढ़ गया yes, अच्छा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, अच्छा हमने 1 बाय एम एल स्क्वायर लिया ना, 1 बाय 12 लेना चाहिए था मान लो, अगर मान लो मैं 1 बाय 3 लेता तो क्या फर्क पड़ता आंसर में? नो सर। हाँ तो एक्सेस आप कोई भी ले लो उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर में, आंसर आपका सेम ही आएगा, ये तो कट ही जाएगा बाद में फाइनली। तो इसलिए इसमें कोई एक्सेस नहीं दिया, किसके एक्सेस के अलाउड है, इसने बस बोला कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई, क्योंकि वो सेम आएगा ठीक है आंसर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि एक स्टील का स्केल है, स्टील का स्केल है, ये एक कॉपर वायर की लेंथ मेजर करता है, एक कॉपर की वायर है आपकी, इसकी लेंथ मेजर करता है, उसकी लेंथ आती है 80 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ आती है 80 सेंटीमीटर ठीक है, और ये इसकी एक्चुअल मैंने जो स्केल वगैरह वो सही रीडिंग ले रहा है, बिल्कुल सही रीडिंग है बिल्कुल इसकी। अब ये कह रहा है कि अगर आप इसको दोनों को हीट करें, दोनों को हीट करें 40 डिग्री सेल्सियस, दोनों को हीट कर दिया 40 डिग्री सेल्सियस, कॉपर वायर को भी और स्केल को भी, तो अब रीडिंग कितनी आएगी, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द स्केल, रीडिंग ऑफ द स्केल, और आपको जो डाटा दिया हुआ है वो स्टील का अल्फा और कॉपर का अल्फा दिया हुआ है, स्टील का जो अल्फा है, अल्फा ऑफ द स्टील इज 11 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस, और अल्फा ऑफ द कॉपर है 17 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस। तो रीडिंग ऑफ द स्केल कितनी है, दोनों हिट करेंगे, ये तो अब कमाई की ज्यादा आएगी, हम तो बता दो इसको देख के समझ में आ रहा है, क्वेश्चन को देख के कमाई की ज्यादा आएगी रेडी 80 सेंटीमीटर से, बता सकते हो इतना डाटा देख के सब बराबर, मतलब थोड़ा ज्यादा आएगी, टॉप समझ में ज्यादा आएगी। ओके कैसे पता चलना ज्यादा आएगी, कॉपर ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगा, कॉपर का स्टील, यस राइट एब्सोल्युटली, कॉपर का अल्फा ज्यादा है तो कॉपर ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगा, स्टील कम एक्सपेंड होगा तो वायर की लेंथ अब ज्यादा आएगी। निकालो फिर ये रीडिंग क्या आएगी, 80 पॉइंट क्या आएगी, 80 से ज्यादा आएगी ना,
दो ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, तो ये 80.00, बाकी तो कम दिए 96 सेंटीमीटर, 80.027 सेंटीमीटर क्या है? मेरे तो 80.0192 आ रही कैसे आ रही सर? अल्फा रिलेटिव लिया मैंने। ओके तो सही आना चाहिए, अल्फा रिलेटिव सही करेंगे तो कितना आ रहा, 6 × 10^4 और 9 × 80 है 8 × 32 = 6। वायर का देखना है अल्फा कॉपर माइनस अल्फा स्टील, कॉपर जो है स्टील के मुकाबले जो एक्सपेंड करेगा वो देखने कितना करेगा, कितना करेगा हमारा जो एक्सपेंड करेगा ये करेगा, जो स्टील हम मेजर करेगा आप ये मान सकते हो कि जो स्टील मेजर करेगा उसके हिसाब से मेजर करेगा कि आपने अल्फा कॉपर निकाल लिया विद रिस्पेक्ट टू स्टील के स्केल के, तो अब जो स्टील मेजर करेगा उस हिसाब से मेजर करेगा लेंथ वगैरह फिर उसको करनी होगी मेजर, ठीक है? तो अब हमारा जो डेल्टा एल आएगा ये मैं एल टू मान लू वो आना चाहिए एल नॉट 1 + α relative डेल्टा थीटा, एल नॉट मेरा 80 सेंटीमीटर था ठीक है और ये हो जाएगा 1 + α δθ, तो ये हो जाएगा 1 + α है 6 × 10^-6 इंटू डेल्टा थीटा है 40 सेंटीमीटर, सॉरी 40 °C ये है 40 °C और एम नॉट हमारा 80 सेंटीमीटर, तो इससे हमारा आंसर जो आएगा अच्छा आंसर नहीं आ रहा, इससे हमारा आंसर आ रहा है 80 + 80 × 6 × 10^-6 × 40, तो यह आपका आएगा ये वाला क्वाड्रेंट करें इसमें 8 × 32 = 6 = 180 कितना है 192 तो आना चाहिए हमारा 80.92 × 10^80 + 92 × 10^ कितना आ रहा है हमारा -6 - 2 चला जाएगा -4, तो ये 80.0092 आ रहा है ठीक है, तो ये ऑप्शन में नहीं है
तो मैं देखता हूं क्वेश्चन को गड़बड़ी तो नहीं कुछ वैल्यू तो मिसिंग है सर 192 आएगा ना क्वेश्चन में क्या लिखा है 192 हां एक्चुअली इसमें क्वेश्चन में गड़बड़ी है क्वेश्चन में गड़बड़ी है क्वेश्चन में मैंने ये लिखा एक्चुअली ये भी मेजर किया था ना यहां पे स्टील स्केल ने कॉपर वायर को मेजर किया था ये कह रहा था कि इस समय टेंपरेचर हमारा थीटा जो है वो 20 है और ये थीटा एक्चुअली 1 है थीटा 240 है ये दिया हुआ है एक्चुअली क्वेश्चन में ये एक्चुअल रीडिंग है इसकी ठीक है तो अब जब आप यहां पर डेल्टा थीटा लोगे तो डेल्टा थीटा आपको कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा यहां पे एक्चुअली 20 आना है यस सर तो अब जब 20 आएगा तो अब आंसर कोई ना कोई 80.96 आ जाएगा हां अब हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा है ना ठीक है yes. तो मैंने पूरा डाटा लिखा था पूरा यहां पे एक्चुअली इसने बोला था कि कुछ समय टेंपरेचर कुछ ना कुछ तो होगी तो उस समय टेंपरेचर बोला कि है अब 40 है तो 40 जो है वो थीटा 2 था डेल्टा थीटा नहीं था चलो समझ में आ गया वाला क्वेश्चन रिलेटिव करके करेंगे इसको यस सर ऐसे आप वॉल्यूम वाले क्वेश्चन भी कर सकते हो अगर बोले ना एक बीकर है बीकर एक्सपेंड कर रहा है उसमें पानी भरा हुआ है वो भी एक्सपेंड कर रहा है पानी का वॉल्यूम पहले जो बीकर में 100 इतना है अब बताओ कितना होगा उसमें भी आप ऐसे ही लगाओगे इसमें बस फर्क क्या पड़ेगा वहां पे अल्फा की जगह क्या लेना पड़ेगा गामा लेना पड़ेगा गामा लेना पड़ेगा कई बार वो गामा दे देगा क्वेश्चन में कई बार गामा नहीं देगा कई बार वो अल्फा ही देगा तो फिर हम यूज कर लेंगे रिलेशन गामा इक्वल टू कितना अल्फा होता है 3 अल्फा तो वहां से पहले गामा निकालोगे फिर गामा रिलेटिव निकालोगे फिर सॉल्व करोगे ठीक है कई बार ऐसा करेगा एक का तो दे देगा गामा एक का दे देगा अल्फा तो फिर वो निकाल लेना ऐसा नहीं आपने सीधा माइनस कर दिया चलो एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट फिर अगले टॉपिक पे मूव कर रहे हैं ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई ये है आपका थर्मल स्ट्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन है इस बार ये कह रहा है कि जेई मेंस का क्वेश्चन है 2014 का सिंपल क्वेश्चन की तरफ नहीं ये कह रहा है प्रेशर कितना अप्लाई करते हो में एक स्टील वायर है उसकी लेंथ आपकी 10 सेंटीमीटर है और इसका यंग मॉडुलस स्टील का जो है 2×10^11 मीटर 2×10^11 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर यंग मॉडुलस ये स्टील है और इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो अल्फा है स्टील का वो है 1.1×10^-5 पर केल्विन ये दिया हुआ है ठीक है और लेंथ की 10 सेंटीमीटर है अभी कह रहा है कि मैंने इसको हीट किया कितना हीट किया टेंपरेचर इज रेज्ड बाय 100 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर इज रेज्ड बाय 100 डिग्री सेल्सियस इसको हीट किया है तो ये कह रहा है मैं कितना प्रेशर लगाऊं सो दैट लेंथ रिमेन कांस्टेंट प्रेशर कितना लगाऊं सो दैट लेंथ रिमेन कांस्टेंट बताओ कितना है थर्मल प्रेशर बताना है कितना है 2.2×10^-8 यूनिट क्या है ऐसा यूनिट है -8 बोल रहा सर -8 तो काफी कम हो जाएगा इतना कम प्रेशर थोड़ी चाहिए होगा सर +8 आएगा यस सर +8 सॉरी -8 तो बहुत कम प्रेशर होगा आई थिंक कर दो थर्मल स्ट्रेस का मैं फॉर्मूला लिखा दो ड्राइव किया था तो उससे निकाल लो हमारे ड्राइव किया था मतलब क्या क्या करना एल बढ़ेगा हमारा एल बढ़ के हमारा हो रहा है एल नॉट ये तुम्हें पता है थर्मल से क्या होगा थर्मल से हमारा बढ़ के ये एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगा डेल्टा एल हमारा एल नॉट अल्फा डेल्टा टी होता है एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा होता है तुम्हें पता है अगर थर्मल से आप लगाते हो तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन लगाया था आपने तो आपने लिखा था कि यंग मॉडुलस हमारा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है तो आपका ये आया था स्ट्रेस बाय स्ट्रेन करके यहाँ से अपन डेल्टा जो आया था एफ
एल डेल्टा एल जो आएगा नहीं आएगा एफ एल बाई एरिया और ये मोड यार। अब आपको क्या करना है, दोनों डेल्टा एल को बराबर करना था क्योंकि जो ये है ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है लेंथ को, ये डिक्रीज करेगा जब फोर्स लगाओगे, इधर इक्वेट हो जाएंगे, इनको डिक्रीज इंक्रीज को इक्वेट करोगे तो ये एल नॉट एल का डेल्टा थीटा से बनना था हमारा इक्वेशन। तो यहाँ से एल नॉट कट जाएगा आपका, आपको एफ बाई ए निकालना है थर्मल स्ट्रेस, तो यंग मॉडल्स को मान ले जाओ, तो फाइनल फॉर्मूला ये होता है हमारा थर्मल स्ट्रेस का। तो हमें वाई अल्फा डेल्टा थीटा निकालना, तो वाई पता है आपको यहाँ पे, अल्फा पता है, डेल्टा थीटा भी 100 दिया हुआ है तो ये पता है, तो कर लोगे तुम, है ना? यस सर। ओके, मैंने दोबारा ड्राइव भी कर दिया ताकि कोई भूल गया हो तो याद कर सकता है कैसे हमने ड्राइव किया था। चलो अगला टॉपिक पे मूव करते हैं, अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा कि हम अभी क्या कर रहे हैं कि हम किसी को टेम्परेचर बॉडी को हीट दे रहे हैं, हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, उसको जब हीट दे रहे हैं तो बॉडी क्या हो रही है, तो एक्सपेंड कर रही है, ये उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा उसका। तो जब हम बॉडी को हीट देते हैं तो टेम्परेचर हमारा बढ़ता है, तो मान लो हम पानी को हीट दें, तो पानी को हीट देंगे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, पानी गर्म होना शुरू हो जाता है, अगर आप और हीट दोगे तो गर्म हो जाएगा, होते होते वो 100 डिग्री पे पहुंचेगा, उसके बाद वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप फिर वेपर को हीट दोगे, मान लो वेपर को आपने उसमें चैम्बर में बंद कर दिया, कंटेनर में बंद कर दिया, और आप उसको हीट देने लगे, तो फिर क्या होगा, वेपर की भी हीट बढ़ेगी, वेपर की हीट बढ़ती जाएगी, तो वेपर तो आगे कन्वर्ट नहीं हुआ लेकिन उसकी हीट सॉरी टेम्परेचर जो है बढ़ता जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो गर्म होता जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आप किसी भी के साथ भी कर सकते हो, इट कैन हैपन विद एनीथिंग, इट कैन हैपन विद वाटर, इट कैन हैपन विद मिल्क, इट कैन हैपन विद कॉपर, इट कैन हैपन विद गैस, हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, तो हम किसी भी गैस के साथ ऐसे कर सकते हैं, हम उसको हीट देंगे तो टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है, तो आपका जो टेम्परेचर जब चेंज हो रहा है तो बॉडी हीट कर रही है, तो देखो क्या हो रहा है, आपकी बॉडी जो है स्टेट भी चेंज कर रही है, बीच में स्टेट भी चेंज कर रही है, तो देखो क्या हो रहा है, जैसे मान लो वाटर का केस ही ले लेते हैं, तो वाटर में मान लेते पहले आइस थी, बिल्कुल आइस, इसको आपने क्या किया, मान लो ये आइस आपकी -30 पे थी, आपने हीट किया, आपने इसको हीट किया, तो इसका टेक्निक क्या बन गया, आइस बन गया 0 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या होगा, ये वाटर में कन्वर्ट होगा, इस प्रोसेस में कोई हीट यूज होती है नहीं होती, लेटेंट हीट, यस सर लेटेंट हीट होती है, करेक्ट लेटेंट हीट, वो सेम टेंपरेचर पे होती है, टेंपरेचर सेम रहता है हमारा, है ना, वो फेज कन्वर्जन होता है, फिर वाटर को हीट करोगे, हीट करते करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 100 गिनती कर लो, 100 पे पहुंच जाएगा ये, और फिर ये अभी लिक्विड फेज में है, फिर ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर एट स्टीम, तो ये गैसेस फेज में कन्वर्ट हो जाएगा 100 डिग्री में, यहाँ पे भी लेटेंट हीट यूज होगी, यस सर, फिर आपका ये स्टीम आगे चला जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो हो सकता है ये कुछ मान लो 120 डिग्री सेल्सियस को, आप लोग स्पेसिफिक हीट जानते हैं, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होती है उसे हम उसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट, अभी आगे लिख लेंगे डिटेल में, एस इज स्पेसिफिक हीट, यहीं पे लिख रहे थे जो थोड़ा बहुत, एस जो हमारा स्पेसिफिक हीट है, तो ये क्या है, किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 ग्राम बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होती है उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो
I can write that. Heat required definition. I will write required to required temperature. Sort में लिख रहा हूँ. 1 degree Celsius. 1 degree Celsius for of 1 gram body. 1 gram of body. ये हमारी होती है स्पेसिफिक हीट. ठीक है. अच्छा अच्छा स्पेसिफिक हीट जो होती है आप लोगों ने पढ़ी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी. यस सर. तो ये क्या होगी इंटेंसिव होगी एक्सटेंसिव होगी. मैंने अगर मैं एक गिलास का पानी लूं और इसकी स्पेसिफिक हीट निकालने की कोशिश करूं और एक मैं बाल्टी में पानी लूं इसकी स्पेसिफिक हीट निकालूं तो क्या वो सेम आएगी. बाय डेफिनेशन देखो सेम आएगी डिफरेंट आएगी. सर डिफरेंट वॉइस ब्रेक हुई. वॉइस ब्रेक हुई बाकी लोगों के लिए ब्रेक हुई है. नहीं सर अब सही अब सही है. तो हाँ अब बताओ क्या आएगा ये स्पेसिफिक सेम आएगी डिफरेंट आएगी. डेफिनेशन देखो सेम आएगी. डेफिनेशन क्या बोलती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी. तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है डिपेंड नहीं करेगी आपकी कि इसका डिफरेंट होगा. स्पेसिफिक हीट दोनों केस में सेम आएगी. एस वन और एस टू आपस में बराबर होंगे चाहे बाल्टी का पानी हो चाहे समुद्र का पानी हो. अगर हमारा पानी सेम है उसमें सॉल्ट वॉल्ट आ जाएंगे उस बात अलग है. लेकिन अगर पानी सेम है हमारा तो स्पेसिफिक हीट विल नॉट चेंज. ठीक है. लेकिन अगर मैं टोटल हीट रिक्वायरमेंट निकालूँ यहाँ पे क्या वो सेम आएगी दोनों केस में. जो हीट चाहिए मुझे 1 डिग्री बढ़ा देते सेम ही आएगी. वो ज्यादा आएगी बाल्टी के पानी के लिए ज्यादा आ जाएगी बकेट के पानी के लिए. ओके. तो वो हम देखेंगे वो हम उसे हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी. वो हम बोलते हैं उसकी हीट कैपेसिटी. यहाँ पे जो हीट कैपेसिटी होगी वो ज्यादा होगी. ठीक है. हीट कैपेसिटी तो हीट कैपेसिटी जो होगी वो क्या होगी स्पेसिफिक हीट इनटू मास. अगर आप मास से मल्टीप्लाई कर दो स्पेसिफिक हीट को तो एम इनटू एस इज योर हीट कैपेसिटी. तो ये एम पे डिपेंड करते हैं. ये डिपेंड करेगी yes. ये डिपेंड करेगी आपका पानी कौन सा है. ठीक है. कितना पानी है ठीक है. इसीलिए आपका ग्लास का पानी जल्दी गर्म हो जाएगा बाल्टी का पानी गर्म होने में टाइम लगेगा क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है. लेकिन स्पेसिफिक हीट ज्यादा नहीं है ध्यान रखना. इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है ना इंटेंसिव इंटरनल बोलो उसकी मैटर की प्रॉपर्टी है ये उसके वॉल्यूम की प्रॉपर्टी नहीं है. ओके. तो अब यहाँ पे जो ये तो आया स्पेसिफिक ये आया हीट कैपेसिटी. ठीक है. और ये स्पेसिफिक हीट आया. अब देखो यहाँ पे जो हीट आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी वो डिपेंड करेगी इसके मास कितना है इसका. वो डिपेंड करेगी इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है और वो डिपेंड करेगी आपने टेम्परेचर कितना राइज किया. तो यहाँ पे हम जो वैल्यू लेंगे वो हमारी आएगी एम एस डेल्टा थीटा. डेल्टा थीटा इसके तो 80 डिग्री सेल्सियस है. जो आपकी हीट रिक्वायरमेंट आएगी क्यू रिक्वायरमेंट जो आपकी आएगी वो कितनी आएगी एम एस डेल्टा थीटा. क्लियर हुआ. यहाँ पे स्पेसिफिक हीट किसकी लेंगे और तो ये वैल्यू देख लेंगे क्वेश्चन वगैरह में जब आएगी. यहाँ पे जो हीट रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी. यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो गया ml. This is latent heat of fusion. Fuse हो रही है ना आइस पानी में कन्वर्ट हो गई. अब क्या हुआ आइस से पानी बन गया. अब पानी गर्म होना शुरू हुआ फिर दोबारा रिक्वायरमेंट कितनी आ जाएगी एम एस डेल्टा थीटा. यहाँ पे एस क्या आएगी स्पेसिफिक हीट ऑफ इस बार किसकी हो जाएगी वाटर की. वाटर फिर क्या हो गया. अब यहाँ पे वाटर 100 100 से यहाँ चला गया. अब कितनी हीट चाहिए आपको एम एल. यहाँ पे लेटेंट हीट कौन सी आएगी वेपराइजेशन क्योंकि प्रोसेस हमारी वेपराइजेशन हो रही है यहाँ पे फ्यूजन हो रहा था. दिस इज लेटेंट हीट.
your preparation. और यहाँ पे जो हीट आएगी वो फिर दोबारा Q इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा आ जाएगी, वेयर योर दिस एस इज, वेयर योर एस इज स्पेसिफिक हीट ऑफ द वेपर्स. ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू होती है. इसमें से कुछ वैल्यू हमें याद रखनी है, याद रखो अच्छी बात है, पेपर में से कई बार दे देता है, कई बार नहीं भी देगा मान लो. तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होती है आइस की, इस केस में आइस के केस में ये होती है 80 कैलोरी पर ग्राम. और यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होती है ये होती है 1 कैलोरी पर ग्राम. एक्चुअली कैलोरी यहीं से ड्राइव किया गया है, उसको जब गर्म करके देखा तो 1 कैलोरी पर ग्राम आया. मैं इसको मान लिया 1 कैलोरी है, उसके अकॉर्डिंग फिर सब्ट्रैक्ट किया. और यहाँ पे जो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम आती है, वेपराइजेशन की जो आती है, ये आती है 540 कैलोरी पर ग्राम. वो तो हमें याद होना ही होना है, उसके बिना तो काम चलेगा ही. वाटर का तो याद करना ही करना है आपको, तो वाटर का हमें याद रखना है. अच्छा, कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन होता है? 1 calorie equals 4 joule. So 1 joule is equal to 4.2. 1 calorie equals to 4.2. Okay. So 1 calorie equal to 4.2 joule होता है. वैसे 4.18 होता है, पर हम 4.2 joule ले सकते हैं. आपकी जो SI यूनिट है वो जूल है. हम जो आंसर वगैरह निकालेंगे ध्यान रखना, कई बार जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर SI में कन्वर्ट करना, तो इसको ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो ये प्रोसेस सबको क्लियर है? यस सर. अब अगर आप ग्राफिकली देखो, ग्राफिकली आप वाटर के लिए देखो, इस वाटर के केस में अगर देखो, तो वाटर के केस में अगर आप देखोगे, आप जो हीट दे रहे हो और टेम्परेचर का अगर आप चेंज देखोगे, तो ये ग्राफ कैसे बनेगा? ये ग्राफ बनेगा, पहले आपका आइस है, जीरो से नीचे नेगेटिव होगा, यहाँ पे जीरो यहाँ मानना पड़ेगा, ये नेगेटिव पे होगा आइस. तो आप हीट दोगे इसकी, ये चीज बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा. मान लो ये आपका ग्राफ है टेम्परेचर वर्सेस हीट गिवन क्यू. तो आप हीट दोगे तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा. तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा. फिर क्या होगा? अब आपका आइस यहाँ पे जीरो पे पहुंच गई, अब ये फ्यूज वो करेगी, फेज कन्वर्ट करेगी. उस समय टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है, लेकिन हीट हमें चाहिए, तो हीट तो का ग्राफ तो आगे बढ़ेगा लेकिन टेम्परेचर का नहीं बढ़ेगा. तो ये ग्राफ ऐसे रहेगा, ये ग्राफ ऐसे रहेगा. फिर क्या होगा? फिर दोबारा ये कन्वर्ट हो गया पूरा. अब ये क्या करेगा? अब ये फिर दोबारा से वाटर बन गया, वाटर बन के वाटर गर्म होना शुरू हो जाएगा, तो फिर ग्राफ ऐसे बन जाएगा, फिर ग्राफ ऐसे बन जाएगा. फिर क्या हुआ? ये 100 डिग्री पे पहुंच गया, यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे भी 0 था टेम्परेचर का, देखना मैंने सॉरी इस एक्सिस को बना रखा है, टेम्परेचर 0 था, ये वाला हमारा 100 होगा. तो ये 100 पहुंच गया वाला. ठीक है, अब ये दोबारा क्या होगा? वेपर में अपना फेस चेंज करेगा. जब फेस चेंज ये करेगा तो फिर क्या होगा? टेम्परेचर फिर कांस्टेंट हो जाएगा दोबारा, तो ग्राफ फिर आपका कांस्टेंट हो जाएगा. टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ग्राफ आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो ग्राफ आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो ग्राफ आपका ऐसे बन जाएगा फिर दोबारा से 100 पे. फिर ये दोबारा से जो है वेपर बन जाएंगे सारी, तो वेपर का फिर फेस कन्वर्ट हो गया, अब ये फिर दोबारा ऐसे बन जाएगा. तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, आई होप. यस सर. ठीक है, तो इसके आप पॉइंट तो प्लॉट कर लोगे, जो पॉइंट होंगे इसके डिफरेंट डिफरेंट है ना,
अब मैं आपसे जो क्वेश्चन जो पूछना है वो पूछता हूँ। मान लो ये मैं प्लॉट कर रहा हूँ, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो लेंथ होगी ए बी की और जो सी डी की लेंथ है, इसमें से कौन सी लेंथ बड़ी होगी, ए बी बड़ी होगी या सी डी बड़ी होगी? क्योंकि क्यू जो होगा आपका सीडी में ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू ए बी के, क्योंकि इसकी लेटेंट हीट एम एल जो होती है यहाँ पे आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आएगी, और यहाँ पे जो है हीट जो रिक्वायरमेंट होगी वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी, ये आपकी 80 होती है और ये हम देखा था 540 होती है, तो ज़्यादा आएगी। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है, सबको क्लियर है? यस सर, यस सर। अच्छा, अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछ ले कि यार स्लोप ऑफ बीसी ज्यादा होगा या डी ज्यादा होगा, तो कैसे निकालोगे? सर डी। कैसे सर? क्योंकि उसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी और वेपराइजेशन भी है, तो सर उसकी हीट ज्यादा होगी, यानी सर तो हीट को स्लोप से कैसे रिलेट करोगे? सर एक मिनट, बीसी का स्लोप ज्यादा होगा, कैसे बताओगे बीसी का ज्यादा होगा? सर क्योंकि जो उसकी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होती है वो स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम से कम होती है। स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम कितनी होती है? सर पता नहीं, फिर कैसे पता वो कम होती है? मैंने सर नो ओके, डाटा रिक्वायरमेंट क्या होगा, कोई बताओ डाटा रिक्वायरमेंट क्या होगा? उससे मैंने स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम चाहिए होगी, स्पेसिफिक हो जाएगा। देखना पड़ेगा कि कम होती 0.5 होती है मेरे ख्याल से, देखनी पड़ेगी। सर अगर वो कम होगी तो फिर डी का स्लोप ज्यादा होगा। ओके, चलो, यानी कुल मिला के हमें बस ये समझना है कि हमें स्लोप हमारा आ क्या रहा है, है ना? स्लोप क्या होता है आपका? स्लोप आपका होता है डी वाई बाई डी एक्स। पढ़ चुके हैं स्टेट एंगल का, तो स्लोप डी वाई बाई डी एक्स होगा। डी वाई क्या है यहाँ पे वाई है डी टी, और डी एक्स हो जाएगा डी क्यू। यहाँ पे वाई क्या है, डी टी है, और ये डी क्यू है। अगर आपका ऐसा ग्राफ बना है तो ठीक है, ऐसा ग्राफ अगर बना है अब आपको पता है डी क्यू जो होगा वो कितना होगा, डी क्यू आपका होगा एम एस डी टी। तो अगर आप ऐसा देखिए तो यह क्या रहा, क्या रहा आपका एम एस इक्वल टू वन बाय एम एस इक्वल टू डी टी बाई डी क्यू, बिकॉज दिस इज इक्वल टू, और ये क्या है आपका, ये स्लोप है, ये स्लोप है। तो आपका स्लोप जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक्चुअली वन बाय एम एस आ रहा है ना, इसको स्लोप को ये एम है, इसको कंफ्यूज मत होना, ये एम है, ये स्पेसिफिक ये मास है, कैपिटल एम देता हूँ, कैपिटल एम। तो आपका स्लोप जो है ये आ रहा है, स्मॉल एम इज कमिंग वन बाय एम एस। तो मास तो दोनों केस में सेम ही मास, तो आप एक ही लेके चलो शुरू में उसको हीट करते जा रहे हो, तो स्पेसिफिक हीट पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट यहाँ पे होगी, यहाँ पे स्लोप उसका अगर ज़्यादा होगी तो स्पेसिफिक स्लोप क्या होगा, कम हो जाएगा।
अगर स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी तो क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? तो एक ग्राफ से आप काफी चीजें इंटरप्रेट कर सकते हो अगर आपको वैल्यू वगैरह पता हो। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका बेसिक। अब इसमें पूछते क्या है, सब पूछते क्या है। अच्छा, इसमें चीज़ और ध्यान रखना, मैं यूनिट देखो एक बार। लेटेंट हीट कमाल लिखी, स्पेसिफिक हीट की जो यूनिट होती है कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है। ये मैंने पूरी लिखी, ये कैलोरी पर ग्राम है, ये कैलोरी पर ग्राम है, टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा, लेकिन यह कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में वाटर का मास किलोग्राम में दे देगा या जूल में वैल्यू पूछेगा, तो सब देख लेंगे क्वेश्चन को। तो इसमें क्या होता है, मेन क्वेश्चन क्या आते हैं, मेन क्वेश्चन ये आते हैं इसमें, भाई हमने एक बीकर लिया, उसमें हमने मान लो 50 ग्राम पानी डाल दिया ये 10 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर हमने एक और पानी डाल दिया 10 ग्राम, ये था मान लो 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये 60 ग्राम पानी हो गया बीकर में, इसका टेम्परेचर बताओ कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या करते हैं हम लोग क्या करेंगे, जो एक पानी होगा ये गर्म है और ये ठंडा है, जितनी ये हीट लॉस करेगा उतनी है वो हीट क्या करेगा, गेन कर लेगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन होगा, एक बॉडी हीट लॉस कर रही है और दूसरी बॉडी हीट गेन कर रही है, तो हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन हो गया। तो हीट लॉस यहाँ पे जो होगा इस केस में वो करेगा ये वाला, उसका हीट लॉस हो जाएगा एम एस डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, उसका फाइनल टेम्परेचर मान लो टी हो गया, तो हम लिखेंगे टी माइनस फिफ्टी मान लो इक्वल टू हीट गेन। हीट गेन कौन करेगा, ये वाला, कितना हीट गेन करेगा ये एम एस टी माइनस टेन, ये एम टू मान लो, स्पेसिफिक हीट तो डिपेंड करता है सेम लिक्विड है या डिफरेंट लिक्विड है, तो एस वन एस टू मान सकते हैं, ये होगा टी माइनस टेन, तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, बस यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी, अभी ये चीज आपकी नेगेटिव आएगी, ये चीज नेगेटिव आएगी क्योंकि टी माइनस फिफ्टी जब निकालोगे टी तो कम है 50 से, तो ये नेगेटिव आ रही है और ये पॉजिटिव आ रही है, तो इनको इक्वेट नहीं कर सकते, तो यहाँ माइनस साइन लगाना पड़ेगा बीच में। जब मैं गली करोगे तो उसको माइनस साइन लगाओगे, या फिर आप इसको ऐसे लिखोगे 50 माइनस टी, तब आप इक्वेट कर सकते हो, अदरवाइज इक्वेट नहीं कर सकते। राइट, यस सर। ओके, इसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उससे हम निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक हीट वगैरह में पता होगा तो निकाल लोगे। ऐसा क्वेश्चन आएगा, अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर आ सकता है मान लो हमने कॉपर की बॉल थी, इसको 100 डिग्री से हीट किया, इसको गर्म, इसको पानी में डाल दिया, ठंडे पानी में, पानी का टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, इसमें डाल दिया, तो बताओ कितना वो होगा। तो इसमें भी ये लगेंगे सेम, इसमें बस कॉपर का वो लेना पड़ेगा आपको स्पेसिफिक हीट, कॉपर का स्पेसिफिक हीट लेना पड़ेगा, इसमें ये लगाएंगे हीट लॉस बाय द कॉपर बॉल इक्वल टू हीट गेन बाय द वाटर, ऐसे कर लोगे। ठीक है, ऐसे हो सकता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन बोल देगा कि एक बॉल है वो गिर गई ऊपर से, हाइट दे देगा आपको, पानी में गिर गई इसकी, ये तो नेग्लिजिबल मान लेंगे डेप्थ, उसकी हाइट बोल देगा कि भाई हाइट 100 मीटर है, वहां से गिरी और जो गिरने के कारण जो एनर्जी रिलीज हुई वो हीट में कन्वर्ट हो गई। गिरने के कारण कितनी एनर्जी रिलीज होगी, MgH, बोलेगा वो हीट में कन्वर्ट हो गई, तो बताओ पानी कितना गर्म हो जाएगा, या कॉपर, कॉपर भी गर्म होगा मान लो, दोनों गर्म होंगे तो कितने गर्म हो जाएंगे, MgH को हीट मिली वो कहाँ यूज होगी, कॉपर को गर्म करने में और पानी को गर्म करने में, तो लिख सकते हो आप एम ऑफ द कॉपर एस ऑफ द कॉपर इंटू डेल्टा थीटा प्लस एम ऑफ द वाटर प्लस एस ऑफ द वाटर इंटू डेल्टा थीटा, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, समझ में आ रही चीज है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कहते हो कि बर्फ डाल दी पानी में, बर्फ की दे देगा कुछ वैल्यू की इतना इसका टेम्परेचर था, इतना इसका मास है, वो सब दे देगा, पानी का भी दे देगा आपको। इस केस में आपको जो हीट आपका लॉस होगा वो एम एल, जो वाट ये आइस लॉस करेगी वो कितना करेगी, एम एल प्लस एम एस डेल्टा थीटा, इतना लॉस करेगी। ठीक है, और वाटर जो गेन करेगा वो एम एस डेल्टा थीटा करेगा, जिसका अपना जो भी होगा, इसका एम टू मानते हैं सब कुछ इसके। ठीक है,
ठीक है, डेल्टा थीटा करेगा और वाटर करेगा लॉस, आई सी लॉस करेगी उसमें, ये फैक्टर भी आ जाएगा आपका एम एल वाला, ठीक है, ये भी आ जाएगा। अब इसमें कई बार ये होता है, मान लो ये वैल्यू आ रही है आपकी, ये जो रिक्वायरमेंट आ रही है हीट की, पानी को ये क्या ठंडा करने के लिए ये आ रही है, मान लो पानी को अगर मैं मान लो पहले है 40 पे और मैं 0 पे ले आया, तो पानी को मान लो 40 से 0 लाने में ये आ रही है वैल्यू 80, और ये वैल्यू आ रही है 100, ये वैल्यू आ रही है 100, मान लो एम एल की वैल्यू 100 आ गई, ठीक है, और ये 80 आ रही है, तो आपको फाइनली क्या होगा इसमें, मैंने क्या होगा फाइनली बीकर में, क्या मिलेगा आपको फाइनली, एम एल की वैल्यू 100 है, ठीक है, और एम मान लो ये जो आइस का मास है, आइस का मास मान लो है मान लेता हूँ रफली मान लो 10 ग्राम, ठीक है, मैं एग्जैक्टली जाना, मान लो 10 ग्राम मान लो तो ये 800 हो जाएगा, मान लो 10 ग्राम है ये 800 आ रहा है, और एम एस डेल्टा थीटा जो आपका आ रहा है वाटर के लिए, वाटर जो है आपका मान लो कितना ग्राम मानना पड़ेगा हमें, अगर ये 4.2 है, स्पेसिफिकली इसकी 4.2 होती है, 4 मान लो एक मिनट के लिए 4 × 40 160, तो ये हो गया, तो आप मान लो इसका मास जो है मान लो 10 160 है, आप मान लो कि 5 ग्राम कितना है, 5 × 30, 5 में मान लो 4 ग्राम मान लो, वाटर आपका 4 ग्राम है, ये वैल्यू आपकी जो आएगी 4 ग्राम के लिए वो आ जाएगी 4 × 4 मान लेता हूँ एक मिनट के लिए, और डेल्टा थीटा हमारा जो है वो हो जाएगा 40, 40 × 160 = 500 आ जाएगा, तो इतनी हीट में ये पानी पूरे का पूरा 0 पे पहुंच सकता है, और इतनी हीट देने पे पूरी की पूरी आइस मेल्ट हो सकती है, ठीक है, इतनी देने पे पूरी मेल्ट हो सकती है, तो फाइनली आपको जो मिलेगा यहाँ पे कितने ग्राम पानी मिलेगा, कितने ग्राम आइस मिलेगी बता सकते हैं मुझे, क्वेश्चन समझ में आया, क्या पूछने जा रहे हैं, सो क्वेश्चन में यही है ना कि अगर हम आइस को वाटर में डाल दें और हमें वैल्यूज दे रखी हैं तो लास्ट में हमें कितना ग्राम वाटर मिलेगा, मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू में बताओ, ये बताओ 40 से ज्यादा आएगा, मैंने 40 से ज्यादा तो आ नहीं सकता आंसर, 40 से ज्यादा आ सकता है आंसर, नो सर नहीं आ सकता, 40 से कम आएगा, नो सर 40 से कम आएगा, तो 4 से कम आ, 4 से कम आ सकता है आंसर, 4 ग्राम से कम पानी, इनिशियली ये पानी है और इतना आइस है, ठीक है, अब पानी क्या करेगा, इसको हीट देगा, हीट देगा तो आइस क्या होगी, मेल्ट करेगी, आइस मेल्ट करेगी, तो ये पानी जो है अगर पूरी हीट भी दे दे अपनी, अगर ये पूरा 40 से लेके 0 पे आ जाए कितनी हीट दे सकता है ये, इतनी, लेकिन आइस को मेल्ट होने के लिए कितनी चाहिए, 800, तो क्या सारी आइस मेल्ट होगी, सारी आइस मेल्ट नहीं होगी, कम आइस मेल्ट होगी, जितनी आप हीट होगी मेल्ट होगी 640 के बोलिए, तो कितनी हीट मेल्ट, कितनी मेल्ट होगी, अगर मैं निकालना चाहूँ तो 640 इक्वल टू क्या करूँगा, मैं जो मेरे को हीट लिखी है इसके इक्वल करूँगा एम एल के, भैया हीट किसने दी, वाटर ने दी किसको, आइस को, तो आप एम एल से इक्वेट करोगे तो यहाँ से मेरा एम आ जाएगा, तो कौन सा एम होगा, ये आइस वाटर में कन्वर्ट हो गई, जो आइस वाटर में कन्वर्ट हो गई, तो ये 8 × 8 = 64 को 8 ग्राम आ गया, तो मेरी 8 ग्राम आइस वाटर में कन्वर्ट हो गई, तो फाइनली क्या मिला मुझे, फाइनली मुझे क्या मिला, 8 ग्राम आइस को कन्वर्ट हो गई, 2 ग्राम आइस बची, फाइनली क्या बचा, 2 ग्राम आइस और कितने ग्राम पानी, yeah. 12 ग्राम,
कितने डिग्री सेल्सियस पे पानी? और वाटर भी कितने पे है ये, सॉरी आइस भी कितने पे है ये? जीरो पे. तो अब क्या होगा, दोनों का आपस में इक्विलिब्रियम हो जाएगा. अच्छा अब क्या होगा, मान लो अब अगर आइस और मेल्ट हुई तो क्या होगा, आइस मेल्ट हो सकती है? अब मेल्ट नहीं हो पाएगी. मेल्ट नहीं हो पाएगी. ये समझ में आया सबको? सर एक बार और बता दीजिए. हाँ इसको थोड़ा समझ लो क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, थोड़ा ध्यान से समझो. दोबारा बता रहा हूँ, मैंने ये बोला कि मेरे पास एक बीकर था, उसमें मैंने वाटर भरा हुआ था और वाटर का जो मास था वो कितना था, 4 ग्राम, और टेम्परेचर कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस. ये मेरा वाटर था. अब मैंने इसमें एक आइस डाल दी, कितने ग्राम की, 10 ग्राम आइस. ठीक है, तो ये तैरेगी इसमें, मैंने नीचे डुबा दिया लेकिन तैरेगी. ठीक है, तो ये ऐसे होगी हमारी आइस. अब ये कह रहा है कि जब ये फाइनल आप देखोगे फाइनल कंडीशन में, तो आपको कितने ग्राम आइस मिलेगी और कितने ग्राम पानी मिलेगा, ये आपको निकालना था. ठीक है, तो मैंने देखा यार, मैंने देखा कि पहले मैं चेक करूंगा मेरी पूरी आइस मेल्ट हो भी रही है कि नहीं हो रही, मेरी आइस पूरी मेल्ट हो भी रही है कि नहीं हो पा रही. तो मैंने देखा यार वाटर मेरा, जब वाटर का टेम्परेचर घटता है यहाँ पे क्या होगा, वाटर जो हीट ट्रांसफर करेगा वो आइस को करेगा, उससे आइस हमारी मेल्ट होगी. अब मैंने देखा वाटर जो है हीट ट्रांसफर कितनी कर सकता है मैक्सिमम, तो वाटर तो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर इतनी कर सकता है 0 डिग्री तक आने के लिए, एम एस डेल्टा थीटा. तो मैंने एम एस डेल्टा थीटा निकाला, कितना आया वो वाटर का मेरा, अगर मैं एम एस निकालूंगा 4 ग्राम पानी था मेरा, एस मेरा इसका 4 मान लिया मैंने एक मिनट के लिए, और 4.2 होता है वैसे, और डेल्टा थीटा मैंने 40 मान लिया, सॉरी ये दिया हुआ है. ठीक है, तो मेरा कितना आया, 640 आया. तो वाटर जो है 0 डिग्री तक आने के लिए कितनी हीट दे सकता है अपनी, 640. यस सर. और आइस को मेल्ट होने के लिए हीट कितनी चाहिए, m into l. यस. l इसका कितना है, 80 माना था हमने, m और m 10 ग्राम है, ml कितना हो जाएगा हमारा, 80 into 10, 800. तो आइस को गलने के लिए 800 जूल चाहिए और पानी जो है 0 तक आने के लिए 640 दे सकता है. तो 640 देगा और 0 पे आ जाएगा, जितनी हीट ये दे पाया है उतनी दे पाएगा, उससे आगे दे नहीं सकता है हीट, उसके बाद तो दोनों 0 पे हो गए. यस सर. तो ये मैक्सिमम हीट 640 दे सकता है. तो आपने देखा कि 640 जब मैं हीट दूंगा तो कितनी आइस मेरी मेल्ट हो जाएगी. तो मेरा फॉर्मूला जो होता है क्यू इक्वल टू एम एल होता है मेल्टिंग के केस में. यस. तो मैंने देखा कि मैं जब इतनी अमाउंट की हीट देता हूँ क्यू 640, तो मेरा L 80 है, तो मैंने ऐसे M निकाल लिया कि मेरा 8 ग्राम आइस मेल्ट हो गया. तो मेरी 8 ग्राम आइस मेल्ट हो गया. 8 पहले कितने ग्राम थे, 10 ग्राम, अब कितने बचे, 2 ग्राम बची, और 8 ग्राम आइस आपकी मेल्ट होगी, क्या बन गई, वाटर बन गई. तो आपका 8 ग्राम वाटर आ जाएगा. तो अब वाटर कितना हो गया, यस सर, वाटर पहले 4 ग्राम था, अब कितना हो जाएगा, 4 और 8 12 ग्राम, तो पानी 12 ग्राम हो गया. क्लियर हुआ? Yes, sir. तो अब हमारा केस ये आ गया, दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गए और आइस और ये अब इसमें आपस में हीट ट्रांसफर नहीं होगी. तो आप बोल लो कि अब आगे आइस मेल्ट नहीं होगी. ठीक है, ये बेटर है बोलना कि आइस मेल्ट नहीं होगी, या मैं कुछ और बोलूं? अगर मैं और बेटर वैसे सोचूं तो क्या बोलूं आपको, केमिस्ट्री का सोचो कुछ, क्या होगा इस केस में, आइस मेल्ट नहीं करेगी ये बोलना सही है या कुछ और बोलूं? सर आइस और वाटर फिजिकल इक्विलिब्रियम में होंगे. करेक्ट, आइस और वाटर फिजिकल इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी कि जितनी आप ये आइस बची आपकी फाइनली 2 ग्राम की और वाटर है आपका 12 ग्राम. तो मान लो इस वाटर ने इसको कुछ हीट दी क्यू और 1 ग्राम आइस को पिघला दिया, पानी बना दिया. तो जब इतनी हीट इसको देगा वाटर, वाटर पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे है, अब अगर ये इसको हीट देगा कितनी हीट देनी पड़ेगी इसे, ml. तो अगर इससे ml हीट निकल गई तो उसका क्या होगा, पानी का, इसका 1 ग्राम पानी कन्वर्ट हो जाएगा आइस में. अब ये बन जाएगा 11 ग्राम पानी प्लस 1 ग्राम आइस.
तो क्या हुआ यहाँ पे, 2 ग्राम पानी जो है 1 ग्राम वाटर प्लस 1 ग्राम आइस बना। आपने यहाँ पे 1 ग्राम आइस को पिघला दिया, लेकिन आपकी 1 ग्राम आइस यहाँ जम गई फिर दोबारा से, तो फिर आइस कितनी हो गई आपकी, फिर दोबारा 2 ग्राम हो गई, और पानी फिर कितना हो गया 11 और 1 12 हो गया। पानी फिर कितना हो गया 11 और 1 12 हो गया। तो यानी कि अगर कोई आप अगर आइस से या वाटर इसे कुछ हीट देता भी है तो उतना वाटर फिर जम जाएगा जितनी वो आइस को पिघलाएगा। इस केस में आपका क्वांटिटी विल रिमेन कॉन्स्टेंट। समझ में आए? यस सर। ओके, इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हो, ये इक्विलिब्रियम में मुझे तो पता नहीं चलेगा इक्विलिब्रियम में है भी कि आइस गली भी रही है या ऐसी एक बार बन गई तो बन गई, मुझे कैसे पता चलेगा, कुछ कर सकते हो कुछ पता लगाने के लिए इक्विलिब्रियम में? ये कर सकते हो देखो, जब आपकी आइस गल गई ना, हाँ बताओ क्या करोगे, टेम्परेचर मेजर कर लेंगे कि और बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। टेम्परेचर तो नहीं बढ़ेगा, अगर मान लो इक्विलिब्रियम में होगा तब भी नहीं बढ़ेगा, नहीं होगा तब भी नहीं बढ़ेगा, दोनों केस में नहीं बढ़ेगा टेम्परेचर, टेम्परेचर तो 0 डिग्री हो गया ना, टेम्परेचर चेंज हो गया ही चाहिए। अब आइस पिघल के वाटर बन रही हो और वाटर आइस बन रहा हो, ऐसा हो रहा हो तो इक्विलिब्रियम है, और ना हो रहा हो कुछ भी नहीं पिघल रही, आइस पिघल ही नहीं रही, दोनों केस में नहीं होगा टेम्परेचर को, टेम्परेचर कैसे बताओगे? एक काम कर सकते हो, जब ये ऐसा हो गया ना पूरा, जब पूरा इक्विलिब्रियम आ गया, अब आप ना इस पानी में इंक डाल दो, पानी में इंक डाल दो तो पानी नीला हो जाएगा, पानी नीला हो जाएगा, मान लो आइस यहाँ फ्लोट कर रही है, पानी नीला हो गया। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा तो थोड़ी देर बाद क्या होगी, अपनी आइस के अंदर भी ब्लू होना शुरू हो जाएगा। भाई अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये वाला पानी जम रहा है और ये वाला पानी मेल्ट, ये वाली आइस मेल्ट कर रही है, ये आपस में इक्विलिब्रियम में है दोनों, तो अगर ये वाला पानी जम रहा है तो ये तो पानी ब्लू हो चुका है, तो यानी आइस आपकी जो जमेगी वो ब्लू हो जाएगी, है ना, आइस आपकी ब्लू हो जाएगी थोड़ी देर बाद। तो अगर आइस ब्लू हो रही है इसका मतलब कि ये वाला पानी दोबारा जमा है, तो यानी क्या है, आपस में दे आ रही इक्विलिब्रियम। समझ में आया? ठीक है, अगर पानी के कलर में कोई चेंज नहीं हुआ, सॉरी आइस के कलर में, इसका मतलब ये हुआ कि आइस में और उसमें कोई इक्विलिब्रियम है ही नहीं, एक बार आइस बन गई तो बन गई, उसके बाद कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसा होगा, तो यानी ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, चलो, तो अब आपको समझ में आया कैसे कैसे काम करता है ये चीजें। ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि आपने आइस डाल ली और ऐसा हो गया। ठीक है, इस केस में हमने कितनी आइस ली थी, आपने ली थी 10 ग्राम आइस और पानी आप लिया था 4 ग्राम। अगर मान लो पानी ज्यादा ले लेता तो फिर क्या होता, पूरी मेल्ट कर जाती आइस। ओके, कितना पानी लेना पड़ता मुझे आइस को मेल्ट करने के लिए, अगर ये 40 डिग्री पे पानी था कितना ग्राम पानी लेना पड़ता? मेल्ट कंप्लीट आइस, हीट लॉस आपका होगा एमएस डेल्टा थीटा, पानी जो लॉस करेगा वो आइस के रिक्वायरमेंट के बराबर आना चाहिए, आइस की रिक्वायरमेंट 800 जूल की थी, तो यहाँ से आपका जो एम आएगा, एस तो आपका 4 मान लिया आपने, डेल्टा थीटा थीटा है, डेल्टा थीटा 40 है, तो एम इक्वल टू आपका आएगा 800/160, तो सॉल्व करोगे 16.85। तो अगर आपका 5 ग्राम पानी होता तो सारी की सारी आइस मेल्ट कर जाती, ये क्लियर है? Yes. इस केस में आपको फाइनली क्या मिलता, आइस कितनी मिलती, 0 ग्राम, और वाटर कितना मिलता, वाटर कितना मिलता, कितने ग्राम, 14,
टेम्परेचर कितना होता है इसका, पता है इंद्रा वाटर का टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल कंडीशन ये होती है, ठीक है, सबको समझ में आ गया? ओके। अच्छा, अगर मान लो पानी और ज्यादा होता, इससे भी 5 ग्राम से भी 10-15 ग्राम होता, तब क्या होता? आइस तो नहीं आपकी अभी? सर आइस मेल्ट होती है अभी, सॉरी आइस। ओके, और फाइनल और क्या फर्क पड़ता है इसमें? टेम्परेचर 0 से ज्यादा है। टेम्परेचर 0 से ज्यादा है, एब्सोल्युटली। ये आपके 10 ग्राम आइस थी और ये मान लो मेरा इस बार पानी लेते हैं 20 ग्राम वाटर, 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस और 20 ग्राम वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर? व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर? निकाल के बताओ कितना आएगा। अब जब इसे मिक्स करोगे तो ये हीट लॉस करेगा वाटर और ये हीट गेन करेगा, फाइनली जाके ये कहीं मिलेंगे किसी टेम्परेचर पे, फाइनल टेम्परेचर का कुछ होगा जो कि 0 और 40 के बीच में होगा। तो मान लो फाइनल टेम्परेचर टी हुआ, फाइनल टेम्परेचर टी हुआ, इस प्रोसेस में आइस ने जो हीट लॉस करी वो कितनी लॉस करी, एम एल प्लस एम एस, एम वन मान लेते उसका मास, एम एस डेल्टा थीटा, और ये अपनी गेन करी सॉरी इसने, और वाटर ने जो लॉस करी वो कितनी करी, एम टू एस डेल्टा थीटा, 2 मान लो इस केस में, 2 हो जाएगा, ठीक है। एस तो सेम होगा, एस तो स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर है, वो तो सेम है। तो इसने जो हीट लॉस करी वो पहले गलने में ही करी और फिर टेम्परेचर बढ़ाने में करी, गेन करी जो सॉरी, और इसने जो लॉस करी वो टेम्परेचर घटाने में करी। तो मैं दोनों को इक्वेट कर लेता हूँ, तो मैं लिखता हूँ एम एल यानी 10 × 80, मैं कैलोरी में लिख रहा हूँ, प्लस एम एस डेल्टा थीटा, एम इसका है 10 ग्राम, एस का 1 कैलोरी हो जाएगा, डेल्टा थीटा हो जाएगा टी माइनस 0, एस मेरा 1 है, डेल्टा थीटा को मैं लिख सकता हूँ 40 माइनस टी, मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ, नेगेटिव लिख रहा, 40 माइनस टी कर दूंगा मैं, तो भी माइनस साइन लगाना पड़ेगा बाहर, तो ये इक्वेशन बन जाएगी, विच इज 800 प्लस 10t इक्वल टू अपना बन गए 20 × 40 यानी 1600 एंड 4 × 8 100 बन गया, कुछ गड़बड़ हो गया, -20t ऐसा बन गया। हाँ, कुछ गड़बड़ी आ रही है, लेकिन पे 10 ग्राम आइस थी, अच्छा टी माइनस 0 किया तो सही है, 40 माइनस टी किया ये भी सही है, यहाँ पे 20 लोग ये भी सही है, एस इसका 1 लिया ये भी सही है, तो इस केस में क्या आ रहा है, तो आ रहा है टी 0 आ रहा है, कुछ गड़बड़ी की गई, 20 ग्राम वाटर
फिर उसका टेम्परेचर बढ़ा 10 ग्राम का एम एस डेल्टा डेल्टा ये आपका ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है दोनों गेन है ऐड हो जाएंगे 10 टी आ जाएगा एम एस डेल्टा थीटा और इसमें जो हीट लॉस करी एम इसका एम कितना दिया हुआ 20 × 1 × 40 माइनस दिस तो अजीब सा आ रहा है कुछ यार 800 में से 800 कट गया और टी जीरो आ गया ऐसा क्यों आ रहा है देखो गड़बड़ी है क्या पे क्या गड़बड़ी कर दी हमने 4 × 8 = 800 20 × 40 करेंगे तो 800 यार गड़बड़ी है क्या तो जीरो आ रहा है तो जीरो ही होना चाहिए चलिए अच्छा जीरो ही आ रहा है क्यों क्योंकि वाटर जो है वो फील दे सकता है 800 दे सकता है और आइस को 800 ही चाहिए तो आपका इसलिए जीरो आ रहा होगा ये है ना इसको ज़्यादा मान लेते हैं फिर पानी को ज़्यादा मान लेते हैं पिछला हमने गलती कर दिया फिर क्या पिछला वाला आपने जो कैलकुलेशन की हुई गलत की हुई नहीं सर उसमें गलती से वो ऐड नहीं किया था मैंने एम एस बस एम एल प्लस ऐड नहीं किया हाँ तो अगर मैंने कैलकुलेशन गलत की होगी तो हम ज़्यादा मान लेते हैं पानी को 40 ग्राम मान लेते हैं चलो 40 ग्राम मानेंगे अब यहाँ पे 40 आ जाएगा अब ये कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा ठीक है अब आपका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 800 1600 में से 800 गए तो 800 इसको जब लेंगे तो 50 हो जाएगा तो टी आपका हो जाएगा 800/50 यानी कि 16 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा इस केस में जो फाइनल टेम्परेचर ये वाला है ये 16 डिग्री सेल्सियस है तो सारे का सारा पानी और आइस सब पहुंच जाएगा 16 डिग्री सेल्सियस पे तो यू विल गेट 16 डिग्री सेल्सियस पे यू विल गेट ये हमने 40 माना है तो यू विल गेट 50 ग्राम ऑफ वाटर ये क्लियर हुआ यस सर ओके इस क्वेश्चन में जो और कॉम्प्लेक्स लोग करते हैं क्या करते हैं वो लोग कहते हैं आइस भी जो है -50 डिग्री सेल्सियस पे है और आइस की स्पेसिफिक हीट दे देंगे आपको और यहाँ बोल देंगे हमने वाटर डाल दिया वाटर का टेम्परेचर मान लो दोबारा 40 डिग्री सेल्सियस है इसको बोल देंगे इतने ग्राम पानी डाल दिया इसके हिसाब से क्या ऐड करना पड़ेगा हमें अब इसमें हमें एमएस आइस पहले हमें आइस का टेम्परेचर जीरो पे लाना पड़ेगा ये टेम्परेचर जीरो पे लाना पड़ेगा फिर ये क्या करेगी फिर ये गलेगी 0 डिग्री पे वाटर बनाएगी है ना ये जो है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगी फिर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा अगर हीट मिल गई से एक्स्ट्रा तो एम एस आइस डेल्टा थीटा होगा पहले तो इसका उसके बाद इसका एम एल होगा और फिर दोबारा एम आइस वाटर करना पड़ेगा इसके लिए अभी मैं इसी के लिए कर रहा हूँ सारा ये एम एस वाटर इंटू डेल्टा थीटा वो किसके बराबर होगा वाटर के एम एस डेल्टा थीटा के वाटर के लिए डेल्टा थीटा निकालेंगे ये आइस वाटर का मास आपको दिया हुआ है मान लो तो यहाँ से आप ये निकालोगे इसे इक्वेट करोगे इस केस में ये और एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाएगा समझ में आया यस सर यस सर ओके अब इस केस में भी ऐसा कुछ होता है कई बार मान लो कि ये वैल्यू तो मान लो 800 आ रही है और ये वैल्यू मान लो आपकी आ रही है 1000 सपोज है ना ये वैल्यू मान लो 1000 आ रही है या 800 आ रही है और ये वैल्यू जो वाटर दे सकता है मान लो ये दे सकता है सपोज वाटर दे सकता है पहले लेते हैं 1800 तो क्या होगा फाइनली आइस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा 1000 मिल जाएगी तो टेम्परेचर जीरो पे आ जाएगा ये प्रोसेस हो जाएगा एग्री फिर ये वाले प्रोसेस के लिए 800 चाहिए ये भी हो जाएगा yes, 1800 आ गया पूरा बस यहीं पे प्रोसेस आपका स्टॉप हो जाएगा प्रोसेस
प्रोसेस विल स्टॉप हियर। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, यानी आइस जीरो डिग्री पे आइस आ जाएगी, जीरो पे वाटर आ जाएगा सर आपका। तो फाइनल केस में आपका वाटर भी जीरो डिग्री हो जाएगा और यानी आइस भी जीरो पे आ जाएगी सारी की सारी, और आइस के मेल्ट हो जाएगी आइस ये, क्या मैं ये वाला प्रोसेस भी मान लिया ना, हो गया। तो ये सारा सारा वाटर में मेल्ट हो जाएगा, तो आपको जीरो डिग्री सेल्सियस पे वाटर मिल जाएगा ये भी, और ये भी जीरो डिग्री सेल्सियस पे वाटर मिल जाएगा। तो टोटल आपका इतना सब वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा मान लो इस केस में ये 1800 नाव के हजार ही होगा, अब क्या होगा? केवल आपका आइस का टेम्परेचर बढ़ता जीरो तक, बस ये प्रोसेस हो पाता है, और इतना होते होते सारा वाटर आपका जीरो डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता। तो फाइनली क्या होता है, आपकी आइस सारी जीरो डिग्री पे आ जाती। ये वाटर कितने ग्राम मिला था आपको, जो भी ग्राम पे होगा मान लो यहाँ पे आपको जीरो डिग्री पे आइस मिल जाती। और ये वाला पानी क्या होता, ये वाला पानी आपका जीरो डिग्री पे कन्वर्ट हो जाता, ऐसा होता। ये भी सब एग्री है? Yes, sir. Yes. अच्छा इसको और कम कर लेते हैं, मान लो ये होता हमारा 500, अब क्या होता? मुझे वैल्यू नहीं बताना, उसे बताना कि क्या क्या होगा, मैं आपको मोटा मोटा क्या दिख रहा है। अगर ये 500 होता तो क्या होता? आइस जीरो से पहले यहाँ पहुंच जाएगी, मान लो -20 पे पहुंच गई, और पानी पहुंच गया, पानी पहुंच गया जीरो पे सारा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ना? यस सर। लेकिन अभी भी इनका इक्विलिब्रियम तो नहीं आया, ये आइस तो -20 पे है और ये पानी जो है वो जीरो डिग्री सेल्सियस पे है, तो क्या इक्विलिब्रियम होगा ये? हीट फ्लो जो करता है उसके कारण करता है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। यहाँ पर अभी भी हीट फ्लो करेगी, तो यहाँ पे हीट इधर को फ्लो करेगी, तो क्या होगा, पानी अब क्या करेगा, हीट ओवर लॉस करेगा, तो पानी जमना शुरू हो जाएगा। यस सर। और आइस क्या होगी, आइस का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, यही होगा। फिर आइस का टेम्परेचर जो बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते जब तक ये जीरो तक ना आए तब तक ये हीट देता रहेगा, उसमें कुछ वाटर, उस प्रोसेस में कुछ वाटर जम जाएगा आपका, उस प्रोसेस में कुछ वाटर हमारा जम जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो कुछ जम गया और कुछ पानी बच गया, अगर कुछ पानी बच गया, पानी जीरो पे है और आइस भी जीरो पे है, अब इक्विलिब्रियम आ जाएगा फाइनली, जैसे हमने पहले देखा था केस में। ये तो ये केस होगा, या फिर ये केस हो सकता है कि सारे का सारा पानी जम जाए, अगर ये ज्यादा वैल्यू आ गई -20 से जीरो पहुंचने के लिए, तो सारा का सारा पानी भी जम सकता है, सारा का सारा आइस में कन्वर्ट हो सकता है, ये केस भी हो सकता है ना, हो सकता है ना सर? तो इस केस में हमें जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, तो ये सब देखना पड़ेगा कि प्रोसेस कहाँ पे रुक रहा है। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे ना, तो कई बार गलत आंसर आ जाते हैं, अगर आपने चेक नहीं किया कि कहाँ पे रुक रहा है, तो आपको सारे प्रोसेस का पहले ML, MS, MS ये सब निकालना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा कि मेरे को प्रोसेस कहाँ तक करना है, कौन कौन सी इक्वेशन लगानी है। अगर आप ये करोगे तभी आपका आंसर ठीक आएगा, अदरवाइज गलत आएगा। समझ में आई बात? Yes, sir. ठीक है। इसमें कॉम्प्लेक्स करेगा फिर क्या कर सकता है, वेपर डाल सकता है, मैंने वेपर भी डाल दिए, वेपर का फिर लेटेंट हीट लेनी पड़ेगी आपको, और वेपर भी मान लो मैंने 100 डिग्री पे नहीं 120 डिग्री के वेपर डाल दिए, तो उसकी स्पेसिफिकिटी भी देनी पड़ेगी, तो और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, समझ रहे हैं? ऐसे करके कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है इसकी। क्लियर? फॉर्मूला बहुत सिंपल है लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे बढ़ती है। तो अभी तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इस क्वेश्चन कैसे करने, तो अगली क्लास में देखेंगे। अभी इसको एक बार खुद से देख लेना, सारी चीज़ें हमने की हैं अलग अलग, जो हमने स्टेप देखे, एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, इसको कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, इसको एक बार दोबारा देख लेना सब कुछ, राइट। तो ठीक है, आज की क्लास हम यहाँ पर रुकते हैं, अगली क्लास में इसके न्यूमेरिकल फिर स्टार्ट करेंगे, तब तक आप फ्रेश माइंड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? Okay, see you again in the class.
गुड नाइट टू ऑल.